हाँ जी बोलो, एक्सरसाइज 0 पार्ट C। एनी डाउट? एट क्वेश्चन नंबर 8। अ पर्सन ट्राइंग टू लूज वेट लिफ्ट्स 10 kg ऑफ मास 1000 टाइम्स टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर ईच टाइम। एज्यूम दैट द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट ईच टाइम शी लोअर्स द मास इज डिसिपेटेड। How much work does she do against the gravity? कौन से पार्ट में डाउट? सर, ए वाले का तो मुझे पता ही नहीं कि आंसर क्या है क्योंकि पीछे दिया नहीं हुआ, और सेकंड वाला डाउट है। ए वाला किया क्या है तुमने? सर, एम 10 kg लिया है अच्छा जी, तो 10 लिया, और एच लिया है 0.5। इनटू कितने हैं, कितने टाइम्स है? ठीक थाउजेंड टाइम है, दिस इज द टोटल वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटेशन सर, फोर्स। इफ इट इज रिटन ईच टाइम तो हम फिर होएगा लोग ना ईच टाइम, क्या सर? ईच टाइम होगा इतना। एंड लेकिन यहाँ पे पूछा हाउ मच वर्क इज डन, तो मतलब टोटल वर्क डन है तो ये होगा। ठीक है सर। अब सेकेंड पार्ट में है, फैट सप्लाइज 3.8 × 10^7 जूल्स ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम विच इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी विद 20% एफिशिएंसी। तो कितना फैट उसको, हाउ मच फैट विल द डाइटर यूज अप? ठीक है, तो बट भाई अब फैट का हमें ये बता रखा है कि 1 किलोग्राम फैट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है, 3.8 × 10^7 जूल यस ये सर। टोटल एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका 20% आगे वो वेट लिफ्टिंग में यूज कर सकती है। इसका 20%, हाँ सर मैकेनिकल एनर्जी वो दे रखी है। ये मैकेनिकल एनर्जी हुई है, किसे मैकेनिकल ट्वेंटी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ना। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक? इसमें कनेटिक नहीं है ना, पोटेंशियल है। कनेटिक यस सर। एनर्जी चेंज नहीं है, इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कितना कितना परसेंट यूज हो रहा है इसका, 20। इसका 20% निकाल लो, तो 1 किलो से इसका 20% ही मिल पाएगा ये इसका। ठीक है, दैट इज 6 7.4 × 10^6 जूल एनर्जी 1 किलो से मिलेगी। यस सर। और हमें चाहिए कितनी जो जो हम पहले ठीक पार्ट में निकल ली थी। है ठीक सर, है, फिर यूनिट। दोनों को डिवाइड कर दो, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ फैट इन केजी। ठीक, ठीक है। एक्सक्यूज अगला मी पार्ट। सर, हाँ जी, फर्स्ट में सर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है क्योंकि वो इवेंचुअली वेट को नीचे रख देगी। अगेंस्ट द ग्रेविटी नीचे रखने के लिए, व्हेन शी लोअर्स द मास। ठीक है, तो हमें सिर्फ ऊपर से नीचे लाने तक वो चाहिए एनर्जी। यस सर। फिर ऊपर से नीचे लाने का या फिर नीचे से ऊपर जाने का? यहाँ पे लिखा ऐसा हुआ है व्हेन शी लोअर्स द मास। नहीं सर, जो पूछा है वो, क्या पूछा है उसने? जो ए पार्ट में सर वर्क पूछा है वो तो ऊपर लेके जाने का होगा। वो ऊपर लेके जाने का मान लो। चलो हाँ ठीक है, टेम ही आएगा। यस सर आएगा तो सेम है, वैसे पूछ रही हूँ कि जो पूछा है वो ऊपर लेके जाने वाला है ना। हाँ सेम ही आएगा। डी में एनीथिंग एल्स इन एक्सरसाइज 0? डी में कोई डाउट है? नो सर। ठीक, एक्सरसाइज 1, 1 to 3। फोर फाइव सिक्स
सिक्स सर इसमें लेंथ को इन्वॉल्व करेंगे हम पहले जो रॉड है वो ऐसे थी यस सर अब उसको 60 डिग्री पे अलाइन कर दिया ऐसे लिफ्ट कर दिया 60 डिग्री कुछ ऐसा कर दिया ठीक है तो कुछ वर्क डन उसको करना पड़ा कितना W दे रखा है ऐसे कुछ दे रखा है यस सर ठीक है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज यू जब 60 डिग्री अब उसको 60 डिग्री और कर दिया 60 डिग्री जब और करेंगे तो कहीं यहां आ जाएगी ऐसे राइट यस सर दिस इज 60 तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल के साथ देखूं तो ये 30 बचा तो 30 और ऊपर लिफ्ट कर दिया तो टोटल 60 और लिफ्ट कर दिया तो ऐसे चला गया राइट पोजीशन 1 से 2 तक डेल्टा यू जो है उसकी वैल्यू यू दे रखी है 2 से 3 तक हमें बतानी है ओके तो 2 से 3 तक जो डेल्टा यू होगा वो कितना होगा पहले 1 से 2 तक निकाल लो फिर 2 से 3 तक निकाल लो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास तो 1 से किसका यहां पे देखें डेल्टा एच का निकालने के लिए लोअर पॉइंट का डेल्टा एच निकालेंगे या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर से उठ के इधर गई तो दिस इज डेल्टा एच ठीक है और ये कितना है डेल्टा एच टोटल लेंथ कितनी रखी है अपने को एल ले लो ठीक है दिस इज एल बाय टू यस सर राइट तो एल बाय टू पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उठ के इधर चला गया तो हम अगर ये L by 2 है ये this is L by 2 तो L by 2 को यूज करके मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल सकता हूँ लेट्स दिस इज y y कितना होगा y is equal to L by 2 cos 60 ये सर L by 4 आ जाएगा L by 4 आ गया तो ये बाकी कितना बच गया L by 4 बच गया तो डेल्टा एच फर्स्ट केस में L by 4 है मतलब डेल्टा U जो हमें U दे रखा था that is mg into L by 4 yes sir फिर हमें यहां से उठा के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इधर लेके जाना है yes sir ये वाली लेंथ कितनी है ये वाली सर L by 4 L by 4 है ना L by 4 अगर ये है तो ऊपर भी ये भी L by 4 होगी क्योंकि दोनों 30 डिग्री के एंगल है ये भी 30 ये भी 30 सर हम शेप कौन सी ले रहे हैं क्या ले रहे हैं शेप किस तरह ले रहे हैं शेप मतलब ठीक है सर आ गया समझ L by 4 ही होगा है ना ये देखो 30 है ना आधे तक L by 4 है तो क्योंकि आधा एंगल कवर हुआ 30 तो पूरे 60 में L by 8 हो जाएगा और ना सॉरी L by 4 का डबल हो जाएगा L by 2 हो गया टोटल यस सर तो डेल्टा यू डैश जो है वो हो जाएगा mg into L by 2 which is 2u तो फर्दर जो एनर्जी लगेगी वो 2u लगेगी सर मैंने ना मतलब दोनों टोटल लेंथ L 2L ले ली थी तो L by 2 की जगह वो LL आ रहा था कोई बात नहीं तो और जो पहली वाली निकली U वो mg L by 2 आई और जो दूसरे वाली उसमें ना मैंने ये पूरा एंगल 120 ले लिया था ये पूरा ये वाला एंगल यस सर उससे क्या होगा दैट विल कॉम्प्लिकेट द थिंग्स सर इसमें डेल्टा एच फिर हम जो या फिर ये पूरा लोगे तक होगा यहाँ से यहाँ तक ये कैसे निकाल लोगी उसके लिए तुम्हें ये अलग इतना अलग निकालना पड़ेगा डेल्टा एच यहाँ से यहाँ तक का सर एक बार आप इससे अलग बना दो डेल्टा एच क्या है दूसरे केस में बता तो रहा हूँ सुन ली नहीं ये टोटल डेल्टा एच है ना उस केस में यस सर आगे ना यस सर है ना दिस इज सम ऑफ
इतना एंड इतना, यस सर, ये वाला एल है तुम्हारे हिसाब से? मतलब मेरे हिसाब से ये एल बाय टू है इधर जो मैंने ले रखा है। यस सर। और ये कितना होगा? ये यहाँ यूज कर लो, यहाँ ट्रायंगल लगाओ इधर, दिस इज एल बाय टू, दिस एंगल इज 30, तो ये वाला, ये वाली लेंथ हो जाएगी एल बाय टू। ठीक है, सेवन तक सर, नाइन्थ में बता दो। नाइन्थ, वायर सस्पेंडेड वर्टिकली from one of its ends is stretched by attaching a weight 200 newton to the lower end. The weight stretches by and then elastic. इसमें elastic energy कितना formula? Half k x square. बस k निकालना है मेरे को, k नहीं दे रखा ना? Yes. Spring wire क्योंकि stretch हो रही है तो उसको spring की तरह मान लो। ठीक है सर। ठीक है, कितना वेट लटका है इस पे? सर 200 न्यूटन। ऊपर लगेगा kx और x कितना है? 1 है मैम, तो उससे k निकल जाएगा। यस सर। दोस्तों इज इक्वल टू kx करके यहां से k आएगा, k की वैल्यू पुट करो, x दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है सर। सर इसमें जो इलास्टिक सॉरी स्प्रिंग ली है, हर पॉइंट पे सेम मतलब एक्सटेंड से स्ट्रेच होगा ना ये? हाँ जी, पार्ट सी में 1, 2, 3 सर, थर्ड, थर्ड पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन इन द फोर्स एक्स एक्टिंग ऑन इट, इफ यू विल ग्राफ ऑफ यू एक्स विल बी, क्या डाउट है इसमें सर? पता मतलब ये समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। यू कैसे निकालते हैं एफ से सर? यू कैसे निकालते हैं एफ से? डिफरेंशिएशन, यू डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं? नहीं, एफ पर यू कर, एफ इज इक्वल टू डी यू बाय डी आर माइनस डी यू माइनस डी यू बाय डी एक्स, है ना? तो yes, u is equal to, मतलब du is equal to minus f dx. तो integrate. U is equal to, minus kx dx integration. It is minus kx square by 2. तो u is direct equation to minus x square. Yes, sir. कैसे ग्राफ बनेगा इसका? Sir, इसका one second. Sir, I think उल्टा यू बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। सिक्स तक सर, सिक्स में मुझे ये डाउट था कि इसकी स्लोप होएगी ना एफ, स्लोप तो होएगी लेकिन सिर्फ स्लोप नहीं है ना, स्लोप का नेगेटिव है। यस सर, मैं वही सोच रही थी कि यहाँ तो स्लोप पॉजिटिव है तो बी और सी मतलब सी और डी में से होना चाहिए, तो डी होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव आ रही है, बट फिर मैंने माइनस सी में सोचा। ठीक, डन। यस सर। अनुष्का के अलावा कोई और काम नहीं करके आज? किया था। लेकिन सारे हो गए थे हैं? या अनुष्ठा को सौंपी थी यार जिम्मेदारी?
ये वाला हो गया था। आगे बढ़ते हैं।